बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फजाइल सूरतुल काफिरून। आज मैं आपको फजाइल सूरतुल काफिरून पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा इसकी फजीलत क्या क्या है, और जो जो इस पर अमल करेगा इंशाल्लाह उसको दुनियावी और आखिरत में दोनों में फ़ायदा हासिल होने वाला है। सूरतुल काफिरून जो है वो मक्की है और इसमें 6 आयात हैं। फजाइल सूरत काफिरून शुरू करते हैं। जो शख्स इस सूरत को खलूस दिल से बाद नमाज फजर या बाद नमाज ईशा 11 मरतबा पढ़ने का ममूल बनाए, उसके दिल से बुगस, हसद, कीना, झूठ, फ्रेब, नफाक, गोया के हर किस्म की अखलाकी बुराई निकल जाएगी और शैतानी वसवसों से महफूज रहेगा और उसका खात्मा बिल ईमान होगा और दिल इबादत की तरफ बेहद मायल होगा। अगर कोई बच्चा नमाज पढ़ने में कुताही करता हो तो घर का कोई भी फर्द 21 रोज तक इस सूरत को 21 मरतबा रोजाना पढ़कर दम करके पिलाए, इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ने में इस्तकामत पैदा हो जाएगी। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत काफिरून की तलावत करे उससे चौथाई कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। तो एंड पर मैं फजाइल सूरत के एंड पर जो है मैं आपको इस सूरत का तर्जमा भी बताता हूँ, सिर्फ तर्जमा है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तुम फरमाओ ऐ काफरो, ना मैं पूजता हूँ जो तुम पूजते हो और ना तुम पूजते हो जो मैं पूजता हूँ, और ना मैं पूजूंगा जो तुम पूजा जो तुमने पूजा, और ना तुम पूजोगे जो मैंने पूजा जो मैं पूजता हूँ। तुम्हें तुम्हारे दीन और मुझे मेरा दीन।